तो हेलो दोस्तों, लेकर आ गए एक और शानदार सी वीडियो हमारे चैनल सौभाग्य इन द टेक्स्ट पे। और आज यहाँ पर कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, रोड वायरलेस गो टू इस माइक्रोफोन का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, रिव्यू किया था अपने चैनल पे कुछ ही समय पहले। अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला है कि माइक्रोफोन रिकमेंडेड है, आप परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन है, तो मेरा फर्ज बनता है कि नेक्स्ट इसके बारे में अगर कोई इश्यूज हो तो उसको मैं रिजॉल्व करके आपको दूं। इसके कुछ बेसिक टिप्स ट्रिक्स एंड कुछ सेटिंग्स हैं जिसको अगर आप चेंज कर देंगे तो अगर आपको कोई बज नॉइज सुनाई दे रहा है इस माइक्रोफोन के अराउंड, आप एक 30,000 का या फिर अगर सिंगल सेटअप वाला खरीदते हैं तो 25 to 20,000 का यहाँ पर माइक्रोफोन परचेस करेंगे के बाद भी आपको अगर कोई यहाँ पर या फिर बज वाली साउंड सुनाई दे रही है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा यार, बहुत ही एक्सपेंसिव है ये माइक्रोफोन। और उसके लायक क्वालिटी लेने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। सबसे बेसिक चीज मैं इसके बताऊंगा, यहाँ पे विंड मफ जो दिया हुआ है इसको आप हमेशा लगा के रखें। मैं भी एज अ बिगिनर 1 ईयर से एक मिस्टेक करते आ रहा था हर वीडियो में बार बार। मैं वाइस चैनल की भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो बिना फर के शूट कर रहा हूँ, मीन्स आउटडोर भी, एंड उसके अलावा जब यहाँ पे इंडोर शूट करता हूँ। यह माइक्रोफोन का क्या है ना यार, ये बहुत प्यारा दिखता है ऐसे स्क्वायर शेप में, तो इसको हम ऐसे लगा लेते हैं, बहुत अच्छा ही दिखता है क्योंकि प्रोफेशनल लुक में दिया है, सामने ग्लास लगा हुआ है, रोड की ब्रांडिंग है, तो बहुत प्यारा दिखता है दिखने के लिए। एंड विंड बफ के साथ थोड़ा सा उसका लुक खराब हो जाता है, थोड़ा छुप जाता है, लेकिन मैं जो बोलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका जो विंड मफ है इसको आप इंडोर में भी लगाएं, जिससे कि आपके जो कुछ साउंड्स होते हैं ये सब जो साउंड जिसमें बहुत ज्यादा हवा निकलती है मुंह से, उसके वजह से जो डिस्टॉर्शन आता है साउंड में वो भी नहीं आएगा। एंड इसके अलावा ना ये सिर्फ साउंड एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करता है, इस मफ के अंदर में आप अगर इसका बेस में देखेंगे यहाँ पर तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक फोम। जो ये फोम है ना फ्रेंड्स, ये फोम आपके साउंड को बहुत ही क्लियर साउंड करने में भी हेल्प करता है। कुछ साउंड्स में अराउंड यहाँ लगी हुई लाइट है, प्रोजेक्टर है, दोनों के अंदर फैंस हैं जिसके वजह से ये गर्म नहीं होते हैं एंड उसकी हीट बाहर निकलती है, लेकिन उस फैन की वजह से ना शूटिंग के समय बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होती है हमारे अराउंड। सीलिंग फैन भी हो सकता है गर्मी के सीजन में, एसी हो सकती है, तो वो सब की साउंड में भी बहुत कम आ जाता है बैकग्राउंड नॉइज इस मफ की वजह से। बहुत सिंपल सा डेड कैट बोलते हैं इसको कई लोग, डेड कैट की वजह से इसका जो साउंड आता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेन टिप है जो सेटिंग्स में आप छेड़खानी कर सकते हैं वो इसके डिस्प्ले में आप जब देखेंगे तो आपको एक गेन कंट्रोल मिलता है, इसको आप हमेशा फाइन पे करके रखें। आपके मोबाइल के थ्रू भी एंड आपके लैपटॉप के थ्रू भी आप इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप रिसीवर को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या फोन से, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेन कंट्रोल का, तो वहां पर फाइन गेन कंट्रोल होता है एंड कोर्स होता है। तो फाइन में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आप बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड अगर नॉर्मल में जाएंगे तो वहां लो मीडियम हाई तीन ही सेटिंग्स मिलती है, तो उसको फाइन में करें एंड अपने हिसाब से इसकी सेटिंग आप पहले तो मॉनिटर करें। कैमरा में मॉनिटरिंग का ऑप्शन होता है, उसमें आप एक ईयरफोन कनेक्ट करके आप अपनी लाइव मॉनिटरिंग सुन सकते हैं कि आपकी साउंड कैसी आ रही है। बेसिक सेटिंग क्या है, यहाँ पे हर कैमरे में एक सेटिंग दी होती है जिससे कि आप डेसिबल्स या गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो गेन जो कैमरे का है वो मिनिमल पे होना चाहिए। हो सकता है कि जितनी मिनिमल सेटिंग है उस पे आप कर दें एंड इसका उसके हिसाब से आप सेट करें, इसका ज्यादा होना चाहिए, कैमरे का मिनिमल होना चाहिए, इसका मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर माइक्रोफोन के साथ थोड़ा सा इशू है कि हाईएस्ट अगर आप इसको ले जाते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस कैप्चर करने लगता है। कैमरे से आप मिनिमल उसको रखेंगे एंड इस पे उसके बाद आप मॉनिटर करके देखेंगे कितने डेसिबल्स तक जाने से आपकी साउंड लेवल मीटर में हाफ को टच कर रही है। हाफ के ऊपर अगर जा रही है तो सही है, लेकिन एकदम ऊपर जाकर रेड लाइन दिखाने लग रही वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे कैमरा में जो सेटिंग है हमने हाफ से थोड़ा सा ऊपर करके रखा है जिससे कि ये परफेक्ट साउंड मुझे दे दे, एंड कैमरा -30 dB पे मेरा सेट है एंड यहाँ पे मैं इसको अराउंड 16-12 में शिफ्ट करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी जो मेन दो टिप्स थी, एक तो डेड कैट एंड उसके बाद एक ये वाली सेटिंग, इसके बाद आपकी साउंड प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ये थी बस साउंड की बात। एक और साउंड आती है जो बीप साउंड टाइप की साउंड करेगी आपको बहुत ही कम सी बैकग्राउंड में, उसका क्या रीजन है? ल्यूमिक्स के कुछ कैमराज हैं एंड एक दो और कंपनीज हैं जो कैमराज में आप अगर इस रिसीवर को कैमरा के टॉप पे लगाते हैं तो कैमरा के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स इसको साउंड करने पे मजबूर कर देते हैं या फिर इसके जो रिसीविंग सिग्नल्स होते हैं उसके बीच में एक नॉइज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिल्म कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, इसको जब आप कैमरा पे लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम इशू करती है, तो उन्होंने मुझे एक सॉल्यूशन ऑफर किया कि आपको उस कैमरे से दूर कर दे जितना दूर आप इसको रख सके। तो मैंने क्या किया, इसका केबल तो बहुत छोटा सा होता है, जो रेड वाला केबल आप देख सकते हो वो सिर्फ इतना बड़ा होता है, तो इतने में आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहां पर आप इसको कनेक्ट करेंगे एक एक्सटर्नल ऑक्स केबल से कैमरे के थ्रू, या फिर आप नॉर्मली डायरेक्ट इसको माइक पे भी रिकॉर्ड करके बाद में ऑटो सिंक कर सकते हैं। वो आपके कैमरे का इशू है तो वो आपको हमेशा बियर करना पड़ेगा जब तक आप कैमरा चेंज नहीं कर लेते। मेरे साथ ये इशू नहीं होता है, मेरा कैमरा है फुजी फिल्म XT4, तो यहाँ मुझे ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, यही था इसके लिए कुछ बेसिक टिप्स, क्योंकि मुझे कई लोगों के कमेंट आ रहे थे यार कि आपने इस माइक को रिकमेंड किया, हमने खरीद लिया, उसके बाद बस साउंड आ रहा है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं मिल गया है। नहीं, सिर्फ सेटिंग्स की देर है, अब हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक भी हो गई हो, तो प्लीज आप एक बार कमेंट कर दें अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो। एंड और कोई इशू है इस माइक से रिलेटेड या और टिप्स एंड ट्रिक्स की, एक वीडियो लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास भी ऐसा कोई माइक हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को गुड बाय।